दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो मैं हूं प्रवेश कुमार, हमारे यूट्यूब चैनल इनफॉर्मल न्यूज में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि देश के कई राज्यों से खबर आती है कि वैसे लोगों को भी संक्रमण हो गया जिन्होंने वैक्सीन ले ली है। कुछ लोगों की मौत के आंकड़े सामने आते हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया उसके बाद भी संक्रमण का शिकार हुए हैं और मौत हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद संक्रमण का खतरा कितना ज्यादा है। अगर आप इन सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इसराइल के वैज्ञानिकों का शोध में आपको पढ़ना जरूरी है। इस शोध में उन्होंने बताया है कि वैक्सीन ले चुके लोगों पर दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट से खतरा है। वैक्सीन ले चुके लोगों को इससे ज्यादा खतरा इसलिए है क्योंकि यह कोरोना संक्रमण वैक्सीन ले चुके लोगों को ज्यादा होता है, जो सामान्य लोगों से 8 गुना ज्यादा है। इस शोध में कई गंभीर बातें कही गई हैं। नवभारत टाइम में छपी एक खबर के अनुसार भारत में स्थिति इतनी गंभीर नहीं है और इसे लेकर भारत के प्रमुख विषाणु विशेषज्ञ अलग राय रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मामला इतना गंभीर नहीं है जितना शोध में बताया गया है। अब आप समझ लीजिए कि शोध में क्या है। तो इस शोध में उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन ले ली है। उनसे जो परिणाम सामने आए उससे तुलना में वैसे संक्रमितों से की गई है जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं ली है। तो दोस्तों शोध में ज्यादातर लोगों में यूके वायरस का वेरिएंट था। साउथ अफ्रीका से आए कोरोना संक्रमण के वेरिएंट की संख्या कम पाई गई। जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली थी और इसे लेते हुए 2 सप्ताह से कम हुआ था उनमें यूके वेरिएंट दिखा, लेकिन जिन लोगों ने दोनों डोज ले लिए थे उन्हें टीका नहीं लेने वालों की तुलना में अफ्रीकन वेरिएंट ज्यादा दिखा है। इससे ये जाहिर हो गया है कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना संक्रमण का खतरा कम होता है, खत्म नहीं होता है। शोध में पता चला है कि 9 से 8 व्यक्ति वैक्सीन लेकर साउथ अफ्रीका के वेरिएंट की चपेट में है, वहीं एक व्यक्ति बगैर वैक्सीन के लिए इससे चपेट में था। गौर करने वाली बात यह भी है कि यह सिर्फ फर्स्ट वैक्सीन लेने वालों पर शोध किया गया है। संभव हो कि किसी और वैक्सीन में यह खतरा ना हो या कोई नए तरह का खतरा हो। तो भारत में इसे लेकर क्या असर पड़ेगा, इससे जवाब में विशेषज्ञ ये कहते हैं कि सभी वैक्सीन पर शोध के बाद ही ये कहा जा सकता है कि इसका कितना असर पड़ेगा। भारत में फाइजर वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसे में ये कहना कि इसका भारत पर कितना असर होगा ये कहना मुश्किल है। भारत में साउथ अफ्रीकी वेरिएंट के मामले में भी ज्यादा नहीं है। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यहीं तक हम बताने वाला हूं। अगर इससे जुड़ी संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा फ्रेंड। अगर आपको इससे संबंधित जुड़ी सभी जानकारी आप जानना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के